replacing the old political, sorry. लोकसभा में बजट 2023-24 पेश हो गया, लेकिन इसी दौरान भाषण के समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो गलती कर दी उसके बाद तो पूरा संसद ठहाकों से गूंज पड़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 घंटे 27 मिनट का पूरा भाषण दिया। इस दौरान एक वक्त ऐसा आया जब पूरा सदन हंसने लगा। दरअसल स्पीच के दौरान निर्मला सीतारमण की जुबान फिसल गई। बस फिर क्या था, पूरे सदन में ठहाके गूंजने लगे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जरा सुनिए क्या कहा था निर्मला सीतारमण ने, जिसके बाद से पूरा सदन हंसने लगा। व्हीकल रिप्लेसमेंट इज एन इम्पोर्टेंट कंटिन्यूइंग पॉलिसी, रिप्लेसिंग द ओल्ड पॉलिटिकल सॉरी आई नो रिप्लेसिंग एब्सोल्युटली थैंक यू रिप्लेसिंग ओल्ड पोल्यूटिंग व्हीकल्स may be applicable, right? Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in budget 21-22. अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि निर्मला सीतारमण जब अपनी गलती की माफी मांग रही थी, उसके ठीक थोड़ी देर के बाद नितिन गडकरी बात करते हुए दिखाई दिए। हो सकता है कि वो निर्मला सीतारमण की गलती को फुसफुसाते हुए जिक्र कर रहे हों। जब संसद में हंसी होने लगी तो वो मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है। फिर उन्होंने राजनीतिक के स्थान पर प्रदूषणकारी शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण नीति के हिस्से के रूप में पुराने वाहनों को बदलने के बारे में बोलती रही। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।